दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। आज हम बात करेंगे ECS हंगरी T10 मैच के बारे में जो कि यहां से खेला जाएगा यूनाइटेड वर्सेस रॉयल ईगल्स के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन सा वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन कब बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर कब बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है, कैसे मिलेगी तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैव इलेवन ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फैव इलेवन आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लॉस में चल रहे हो, फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो, ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले आपको माय फाइव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और माय फाइव इलेवन ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम की, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर प्लेयर के बारे में डिटेल के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ, तो एक छोटा सपोर्ट आप कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। उम्मीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें अगर हमारी फैंटेसी की टीम की, तो विकेट कीपर में सबसे पहले सचिन चौहान का ऑप्शन होने वाला है आपके पास, ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मैच के बारे में बात करूँ, 33 रन इन्होंने करे, उससे पहले 46 इन्होंने करे, दोस्तों 0 रन करे और 21 रन करे। परफॉर्मेंस देखोगे अच्छा रहा है, कंटिन्यू रन बना रहे, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ। वहीं दोस्तों अगर यहाँ से किसी और के बारे में बात करें, ब्रॉमफील्ड का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब इनकी बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करें तो काफ़ी नीचे देखने को मिल सकता है और परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा नहीं है, तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको रखना है यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, तो रविंद्र को रखिए, ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट रन में 39 रन इन्होंने करे, उससे पहले भी अगर मैं बात करूं दोस्तों 25 इन्होंने करे थे, 21 करे थे और 26 रन करे थे, तो इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इसलिए मैं इनको भी अपनी टीम में लेके चल रहा हूं। दो हमारे विकेट कीपर रहने वाले हैं। बैटिंग के बारे में अगर हम बात करें, जे मुरैल का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब मुरैल के बारे में अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, इनका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है तो वो भी मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। रीसेंट के बारे में अगर हम बात करें मुरैल के बारे में, 26 रन इन्होंने करे, 0 रन करे, 0 रन करे, तो कुछ एवरेज इनका जो है परफॉर्मेंस रहा है। बाकी अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल के साथ और भी जानने की कोशिश करें दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर भी मैं आपको इनका बता देता हूँ, तो तकरीबन नंबर 5 इनका बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है। अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती तो आप इनको ज़रूर अपनी टीम में लेके चल सकते हो। वहीं दोस्तों एस मधु के बारे में बात करें, अब इनके बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करें, नंबर 4 आपको बैटिंग करते हुए नजर आने वाले। रीसेंट के बारे में बात करें, एवरेज रिकॉर्ड रहा है, ट्राई कर सकते हो, कोई आपको मुझे लगता नहीं है यहाँ से प्रॉब्लम आने वाली है। अलावत के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, इनका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है और क्या आपको इनको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, सेलेक्शन भी देखोगे तो काफ़ी कम है। अब इनके बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करें दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर आपको मिडिल ऑर्डर में नजर आने वाला है। अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, बाकी तो मैं आपको इतना सजेस्ट करने वाला नहीं हूँ दोस्तों। एस मेहता का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब इनके बारे में बात करें दोस्तों, ये आपको जो है 2 ओवर बॉलिंग करवा के देंगे, बैटिंग ऑर्डर तो इनका काफ़ी नीचे रहने वाला है, तो बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो आप इनको रखना मत। हाँ, ये आपको बॉलिंग करवा के देंगे और वो मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन मिडिल ओवर्स में जो है आपको बॉलिंग करवा के देते, तो उस अकॉर्डिंग आप इनको रख सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जरूर ये निकल के आ सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ से बात करें किसी और के बारे में, तो कोई मुझे यहाँ से ज़्यादा अच्छे तो नहीं लग रहे। पुत्रन जरूर आपके पास ऑप्शन होने वाला है। इनके बारे में अगर हम बात करें, बॉलिंग भी आपको करवा के देते हैं प्लस बैटिंग भी कर लेते हैं। लास्ट 2 मैचेस के बारे में बात करूं, 1 विकेट इन्होंने निकाला है।
बॉलिंग के बारे में भी बता देता हूँ, किस जो है जगह आपको बॉलिंग करवा के देंगे, ओपन में करवाएंगे, मिडिल ओवर्स में करवाएंगे या डेथ में करवाएंगे, तो वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये जो है आपको तकरीबन ओपन में ही बॉलिंग करवा के देते हैं, तो इसलिए आपके पास एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, क्योंकि जो ओपन में डाल रहे हैं तो प्रेशर रहता है, तो आप इनको रख सकते हो। बाकी अगर यहाँ से हम बात करें के अहमद के बारे में, इनका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, के अहमद वन डाउन बैटिंग करेंगे दोस्तों, प्लस ये बॉलिंग भी करते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये तो आपके लिए टॉप कैप्टन की चॉइस मुझे लगता है होने वाले, तो इनको तो आप ज़रूर अपनी टीम में लेके चल सकते हो दोस्तों, एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। तलरेजा के बारे में बात करें दोस्तों, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है इनका, इसलिए मैं इनको भी अपनी टीम में अभी नहीं रख रहा। बैटिंग ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें, बैटिंग ऑर्डर भी आपको इनका नीचे ही देखने को मिलेगा, तो इतना मुझे कोई फ़ायदा लग नहीं रहा। फिलहाल तीन हमारे जो है बैट्समैन रहने वाले हैं। ऑलराउंडर में बात करें, दारूपर रेड्डी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैप्टन के लिए मस्ट चॉइस हो जाते हैं, ओपन करेंगे प्लस बॉलिंग भी करवा के देंगे। लास्ट मैच के बारे में भी बात करूं दोस्तों, 33 रन इन्होंने करे थे, इस चीज़ का ध्यान रखना, लास्ट मैच में भी 33 रन करे प्लस एक विकेट निकाला, और भाई उससे पहले इनका बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है। अगर मैं आपको मोटा मोटा भी बताऊँ ना, तो उससे पहले 5 मैचेस, आप लास्ट मैच को छोड़ दो, उससे पहले अगर मैं 5 मैचेस के आपको आइडिया दूँ, तो 200 तो इन्होंने रन करे थे और 3 विकेट भी निकाले थे, तो एक बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं, तो इनको तो आप अपनी टीम में लेके चल सकते हो। एम डैश इतना कुछ खास रहा नहीं है दोस्तों अभी तक, इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हो। त्यागी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करें, त्यागी का आपको नीचे ही देखने को मिलने वाला है, बॉलिंग करवाते हुए आपको नजर आने वाले त्यागी, और कब करवाएंगे, ओपन में करवाएंगे, तो वहां विकेट निकाल के दे सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप इनको लेके चल सकते हो। गंभीर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, इनका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, किस नंबर पे आपको बैटिंग करेंगे, प्लस ये बॉलिंग भी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, तो गंभीर आपको बैटिंग ऑर्डर तो आपको नीचे ही देखने को मिलने वाला है दोस्तों, बॉलिंग जरूर आपको करवाते हुए नजर आने वाले, और बॉलिंग से रिकॉर्ड में आपको इनका बता देता हूँ, लास्ट ओवर में 2 विकेट इन्होंने निकाला था, उससे पहले 0 विकेट निकाला था। बॉलिंग के बारे में हम बात करें दोस्तों, किस कंडीशन में आपको बॉलिंग करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर इनकी टीम जैसे पहले बॉलिंग करती है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि मिडिल ओवर्स में भी आपको बॉलिंग करवा के देते हैं, तो उस कंडीशन में रख सकते हो। बाकी ऑप्शन में ए गुप्ता का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, ट्राई कर सकते हो, एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए निकल के आ सकते हैं। गुप्ता के बैटिंग ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, किस नंबर पे ये बैटिंग करेंगे, तो देखिए बैटिंग ऑर्डर के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो बैटिंग ऑर्डर इनका नीचे ही रहने वाला है, इस चीज़ को तो आप ध्यान में रख लीजिएगा। और बॉलिंग से ज़रूर मैं आपको बता देता हूँ इनका क्या परफॉर्मेंस आता। लास्ट मैच के बारे में बात करूं दोस्तों, 2 विकेट निकाले, कब बॉलिंग करवाते, वो चीज़ मैटर कर जाती है कि डेथ में करवाएंगे या फिर, देखिए डेथ में बॉलिंग करवाते हुए भी आपको नज़र आने वाले, खासकर इनकी टीम बॉलिंग करे तो आप रख सकते हो, एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, बाकी कोई खास नहीं है। फिलहाल 3 हमारे ऑलराउंडर रहने वाले। बॉलिंग के बारे में बात करें, जी अब्बास को तो ज़रूर ट्राई करना है दोस्तों, ये एक विकेट टेकर बॉलर है, ओपन में भी बॉलिंग करवाते हुए आपको नज़र आने वाले। अगर हम अब्बास के रीसेंट के बारे में बात करूं, लास्ट रन में इन्होंने 1 विकेट निकाला था, बाकी T10 रिकॉर्ड इनका एवरेज है, लेकिन ये प्लेयर अच्छा है, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। धारी आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ओपन करके देते हैं, लास्ट रन में 47 रन करे प्लस 1 विकेट निकाले, और ओपन में ही बॉलिंग करवाएंगे, इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, इसलिए आप इनको लेके चल सकते हो। बाकी अगर किसी और के बारे में बात करें, जायसवाल का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब जायसवाल के परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, रीसेंट के बारे में किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहा है, तो वो भी मैं आपको जो है क्लियर कर देता हूँ। देखिए लास्ट मैच में बंदे ने 4 विकेट निकाले थे, उससे पहले 0 विकेट निकाले और फिर 1 विकेट निकाले, ये इनका जो है परफॉर्मेंस रहा है। और जायसवाल आपको स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाएंगे, तो और भी ज़्यादा विकेट की जो है संभावना हो जाती है, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। बाकी अगर आपको यहाँ से रखना है किसी को, तो देखिए ई खान का भी आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, ई खान को भी आप ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। बैटिंग ऑर्डर तो आपको इनका नीचे ही हो जाता है, बाकी यहाँ से कोई खास मुझे लग नहीं रहा। 3 हमारे बॉलर रहने वाले। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करिए, आपके पास दारूपर रेड्डी का एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, और यहाँ से धारी हो जाते हैं। इनके अलावा अगर आप जाना चाहते हो, तो के अहमद आपके लिए एक टॉप क्लास चॉइस होने वाले। टीम के प्रीव्यू के बारे में बात करें, फिलहाल ही हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हो, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो आपको कुछ नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैव 11 ऐप को
फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फाइव इलेवन आपको 20,000 रुपए की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस माई फाइव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लॉस में चल रहे हो फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो, ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले माई फाइव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और माई फाइव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और मैच टाइम एक्टिव रहिएगा।